बारे में बताना चाहता हूँ। काशी रेलवे स्टेशन बनारस का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो हेरिटेज है। उस जमाने में ईंट की बनी हुई पानी की टंकी है, बनारस में पहली टंकी, क्या ईस्टर्न यूपी में पहली टंकी, तो वो बनाई गई थी। वो आज के डेट में काम तो नहीं कर रही है, लेकिन रेलवे ने उसको हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया है। इसी के साथ साथ मालवी ब्रिज के जहाँ से स्टार्ट कर वहाँ दो वाच टावर बनाए गए थे। ये दोनों वाच टावर ये फ्लड को वाच करते थे कि गंगा पानी कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, पानी आगे क्या पोजिशन रहेगी। और तीसरा एक लोहे की नाव उस समय 1870 में ये तीनों चीज़ें बनी और मंगाई गई थी। उस नाव से पुल कंस्ट्रक्शन के बाद उनकी क्या स्थिति इनके पिलर्स की, वो नाव, वो जो लोहे की नाव है उससे जाके देखते थे। आज तक तीनों चीज़ें रेलवे ने हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने की कवायद शुरू कर चुकी है। तो ये जानकारी आपको शायद कहीं ना मिले तो हमने सबसे पहले देने की कोशिश की है। तो आप इसको अंत तक देखते हैं, आपको आनंद लगेगा, आप इसको वॉच करें। थैंक यू। काशी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, दक्षिण दिशा में बहुत जगह ये आप देखें। अब उत्तर दिशा में भी छोटा सा पार्क इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन बेतरतीब है। मुख्य द्वार, इससे लोग अंदर जाते हैं। काशी रेलवे स्टेशन ये सामने, जैसे ही अंदर घुसेंगे आप प्लेटफॉर्म से तो ये टंकी दिखाई देती, जिस टंकी के बारे में जिक्र किया जा रहा था। ये प्योर ईंट की बनी हुई टंकी है, 30 फीट इसका व्यास है और 25 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1870 में ये पुल के साथ ही इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस टंकी से गंगा जी में एक जो व्यासघाट पुल है, इसके तीसरे पिलर के पास एक कुआं बनाया गया था, वहाँ से पानी पंप करके बगल में खिड़किया घाट वहाँ लाते थे, वहाँ से उसको साफ करके पंप करके टंकी में जाता था। और टंकी से जो पानी है पूरे रेलवे को, रेलवे की जो कॉलोनीज है, कर्मचारी हैं, यात्री हैं, और उस समय डीजल और इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, कोयले और भाप से चलती थी, तो इन ट्रेन में भी ये सप्लाई होता था। उसके बाद दूसरा हेरिटेज है ये, ठीक स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाती हैं गंगा जी। तो यहाँ पे गंगा के में फ्लड को वाच करने के लिए दो टावर बनाए गए थे। स्टार्टिंग में ही दोनों टावर हैं, देखिए ये एक पहला टावर आपको दिखाई दे रहा है और ठीक इसी तरह का राइट साइड में टावर, ये लेफ्ट साइड का टावर है। इस पर जो इंजीनियर्स वगैरह जिन्होंने मेहनत की थी पुल बनाने में, तो ये उनके बारे में, अधिकारियों के बारे में संकेत, ये राइट साइड का टावर है। तो इससे फ्लड को वाच किया जाता था, इससे पीवर की कंडीशन को जब फ्लड आती थी तो देखा जाता था किस कंडीशन में है। अब यहाँ से तो वो वाच कर लेते थे कि फ्लड की क्या पोजिशन है, लेकिन पीवर की कंडीशन बिना नज़दीक गए तो पता नहीं चलेगी। तो उसका भी उपाय हम आगे कैसे वो करते थे वो बता रहे हैं। तो ये वाच टावर देखें, ये अपने आप में अद्भुत वाच टावर है। और जो फ्लड को वाच करने के लिए जो गंगा में जाके करते थे, पीवर को देखते थे, तो ये वो नाव है, लोहे की बनी पे और लोहे की बनी हुई नाव। और उसी टेक्निक में ये नाव बनी है, जिस टेक्निक पे रिपीट पे, हाथ से रिपीट होता था, राजघाट पुल बना, ये नाव बनी हुई है। ये भी 1870 की बनी हुई है, उन्हीं कारीगरों ने ही बनाई है, लेकिन आज इसकी दुर्दशा है, ये गंगा जी के किनारे, ये देखिए ये पतवार है इसकी, वो कहीं से वो मलबा आके वहाँ रुक गया है। तो ये नाव के का बैक पोर्शन है, बहुत सी चीज़ें इसमें से उखाड़ के सब ले गए, लेकिन ये पतवार देखें, इससे वो ऊपर हैंडल है, इससे नाव को दिशा बदलते थे, कंट्रोल करते थे।
नाव का दूसरे साइड देखें, इसमें आज भी देखें ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये देखें नाव को रोकने के लिए, बांधने के लिए ये सब लोहे का बेमरम्मत रहने के बाद भी ये अभी देखिए जस का तस पड़ा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें, ये नाव, ये वोट, वाच टावर और ये जो वाटर की टंकी है, भारतीय वेव ने इसको अजूबा माना है। इन तीनों वस्तुओं को अपने हेरिटेज में संरक्षित करने का निर्णय किया है। तो बहुत बड़ी ये एक अद्भुत चीज़ है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, अब इसको अगर संरक्षित करके कहीं अच्छी जगह रख दिया जाता है तो ये इतिहास से, काशी के इतिहास से जुटा हुआ है, रेलवे के इतिहास से जुटा हुआ है। तो ये चीज़ें देख के फिर लगे, ऐसे तो अभी किसी को पता नहीं, लोग आते हैं चले आते हैं, कुछ यहाँ गंदगी भी फैलाते रहते हैं। ये नाव का देखिए आगे का भाग है, इससे कटता था। तो ये हमने आपके लिए लाया है और आपने इसको वाच किया, तो हमने कहा कि जब हेरिटेज के बनने के पहले, संरक्षित होने के पहले आपको दिखा दें, और जब ये संरक्षित हो जाएगा तो भी हो सकता है आपको हम लोग दिखाएं जो चीज़ ये पड़ी हुई है। आपको अच्छा लगा हो ये हमारा वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।